रुबीना दिलैक को होना पड़ा टिकट टू फिनाले से आउट। किसी और कंटेस्टेंट ने उनके बदले टास्क परफॉर्म नहीं किया। आखिर क्या है पूरी खबर, क्यों ऐसा किया रुबीना दिलैक ने, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 आए दिन चर्चा में बना रहता है। ऐसे में फिनाले के बहुत ही करीब है सारे कंटेस्टेंट। सभी लोग टिकट टू फिनाले को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं। ऐसे में रुबीना दिलैक जो है उनको होना पड़ा टिकट टू फिनाले की रेस से आउट, क्योंकि वो बीमार हो चुकी थी। ऐसे में हम पहले भी देख चुके हैं कई सीजन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी कंटेस्टेंट बीमार हो जाते हैं तो उनके बदले कोई और कंटेस्टेंट उनके लिए परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे रुबीना दिलैक के लिए किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। ऐसे में दो लोगों का नाम सामने आ रहा था, फैजल शेख, और साथ ही में निशांत भट्ट को कहा गया था कि रुबीना दिलैक के लिए आप लोग टास्क परफॉर्म कीजिए, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया। इस बात का रुबीना दिलैक को बहुत ही दुख हुआ, आखिर क्यों दोनों ने ये टास्क परफॉर्म नहीं किया। ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों ने टास्क परफॉर्म नहीं किया क्योंकि फिनाले तक पहुंचने के लिए सभी कंटेस्टेंट के बीच में जी तोड़ टक्कर चल रही है। ऐसे में आपको कितना बुरा लग रहा है रुबीना दिलैक को आप नहीं देख पाएंगे टिकट टू फिनाले के अंदर? और साथ ही में ये भी बताइए कि आप किसको देखना चाहते हैं विजेता खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के अंदर? और आगे की अपडेट्स जानने के लिए देसी फीड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।